हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो सब। सिनेमा की दुनिया में आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना एपिसोड नंबर है 331। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है प्रभास की कल की 2898 एडी मूवी से, जहां फाइनली इस मूवी से 1100 करोड़ का पोस्टर आ चुका है। इसके अलावा इस मूवी के शूटिंग के टाइम की कुछ BTS फोटोज भी शेयर किए गए हैं, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आगे बात करें तो राज एंड डीके और नेटफ्लिक्स की पीरियड फैंटेसी सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जहां कल इस प्रोजेक्ट से एक पोस्टर शेयर किया गया, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सीरीज की कास्ट ऑफिशियली रिवील नहीं की गई है, लेकिन इस सीरीज के अंदर कौन से स्टार्स होने वाले हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर से बता दूं, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, सामंथा रुथ प्रभु एंड वामिका गाबी। साथ ही ये भी रिवील कर दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आदित्य धार की रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड स्पाई थ्रिलर मूवी धुरंधर को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट से कोई प्रमोशनल मटेरियल तो नहीं ड्रॉप हुआ है, बस इस मूवी की कास्ट की फोटो शेयर करके इस मूवी को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स होंगे। इसी के साथ रिसेंटली कुछ ट्रेलर्स भी ड्रॉप हुए हैं, जहां सबसे पहले विक्रांत मेसी, जिमी शेरगिल और तापसी पन्नू की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा का ट्रेलर भी आ चुका है। यह फिल्म आएगी 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके बाद वार्नर ब्रोस और जोकिन फिनिक्स की जोकर 2 मूवी का ट्रेलर भी कुछ दिनों पहले ड्रॉप हुआ। यह फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल 4 अक्टूबर को। आगे बात करें तो करण जौहर की धर्मेटिक एंटरटेनमेंट फिर एक बार किल मूवी के बाद एक मिस्टीरियस थ्रिलर सीरीज लेके आ रही है। सीरीज का नाम है 11-11, जिसका ट्रेलर 3 दिन पहले ड्रॉप हुआ था और मुझे ये ट्रेलर बहुत पसंद आया। इसका डिटेल में रिव्यू जस्ट के ऊपर आ जाएगा। ये सीरीज प्रीमियर होने वाली है 9 अगस्त को Z5 के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 25 जुलाई यानी कि परसों सलमान खान की किक मूवी के 10 ईयर एनिवर्सरी पर मूवी के DOP अयनंका बोस ने रिवील किया कि किक मूवी के अंदर सलमान खान का आइकॉनिक ट्रेन सीन बिना VFX के एग्जीक्यूट किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चलती ट्रेन के सामने कैमरा से शूट करना पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने ट्रैक्स के बीच में होल किया और इस होल में कैमरा रख के इस सीन को शूट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ओरिजिनली ऐसा कुछ प्लान नहीं किया गया था, बल्कि ओरिजिनल आइडिया में सलमान खान बस साइकिल से ट्रैक क्रॉस करते हैं, लेकिन बाद में सलमान खान ने सजेस्ट किया कि वो साइकिल से उतर कर वॉक करेंगे। आगे बात करें तो शाहरुख खान की ग्लोबल रिकॉग्निशन ने फिर से एक बार SRK के हेटर्स को करारा जवाब दिया है, जहां पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा एक गोल्ड कॉइन इश्यू किया गया है, जिसमें SRK का आइकॉनिक पोस्ट एनग्रेव्ड है। अगली खबर की बात करें तो 15 अगस्त को कितना बड़ा क्लैश होने वाला है ये आप सभी को पता है, जहां खेल खेल में स्त्री 2, वेदा, मिस्टर बच्चन एंड तंगलान एक साथ में क्लैश में उतरेगी 15 अगस्त। इनमें से वेदा का मैटर थोड़ा ऊपर नीचे है, डेट चेंज हो सकती है, लेकिन बात यह है कि सिंगल स्क्रीन के ऑनर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इस क्लैश की वजह से, क्योंकि उनको हर मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि भाई हमारी फिल्म लगाना। लेकिन अब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के अंदर एक साथ कितनी फिल्में लग सकती है, प्रॉब्लम यह है कि सिंगल स्क्रीन के ऑनर्स किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्यूचर में आने वाली उनकी बड़ी मूवीज थिएटर में ना लगाने की धमकी भी देते हैं। साथ ही काफी सारे थिएटर ओनर्स के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जहां लोगों का क्लियरली कहना है कि ये लोग सिंगल स्क्रीन्स की वाट लगा देंगे। जहां कुछ लोगों ने ये भी मेंशन किया कि भाई 15 अगस्त की डेट इतनी क्राउडेड होने के बाद 23 अगस्त एंड 30 अगस्त की विंडो कम्प्लीटली खाली पड़ी है, जहां कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या करें भाई, कोई अपनी डेट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं 15 अगस्त को किस में कितना है दम। वीडियो के एंड में मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल की 2898 एडी मूवी की बात करें तो मूवी ने 30 दिन में यानी कि कल तक हिंदी बेल्ट में 280.55 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है, यानी कि ऑफिशियली RRR के 275 करोड़ के हिंदी नेट कलेक्शन को क्रॉस कर चुकी है कल की। वहीं अगर इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 30 दिन के अंदर 625.1 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में। कंपैरिजन के लिए शाहरुख खान की जवान का इंडिया नेट कलेक्शन था 640 करोड़। अब कल की को अगर जवान को क्रॉस करना है तो अप्रोक्स 15 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा, जो कि पॉसिबल तो है, बट इसके लिए काफी स्ट्रगल करना होगा मूवी को। सिंस कल यानी कि फ्राइडे को हॉलीवुड से डेडपूल एंड वुल्वरिन रिलीज हो चुकी है, जो कि अच्छा खासा अफेक्ट करेगी कल के कलेक्शन को, और साथ ही धनुष की रायन भी रिलीज हुई है। साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 1100 प्लस करोड़ का मार्क टच कर लिया है। इसके बाद विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज मूवी की बात करें तो मूवी ने 8 दिन में यानी कि कल तक 44.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन देखे तो अप्रोक्स 78.30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है मूवी ने। साथ ही मूवी की मार्केटिंग टीम ने भी बढ़िया काम किया था, जिसका फायदा मूवी को मिल रहा है। वहीं इस वीक रिलीज हुई एक्टर धनुष की रायन मूवी की बात करें तो मूवी ने अपने डे 1 पर 13.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जो कि अच्छा कलेक्शन कह सकते हैं। जबकि मार्वल स्टूडियो की डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी ने 22.3 करोड़ की ओपनिंग ली है इंडिया में। अब देखो कड़वी
भी, लेकिन सच्ची बात इतना कलेक्शन तो हमारे मेजोरिटी इंडियन एक्टर्स की मूवी भी नहीं करती है डे वन पर जितना इस मूवी ने किया है। बाकी इस मूवी के वर्ल्ड वाइड नंबर्स अभी आना बाकी है। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज संजय वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।